बिल्कुल, ये तो जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास इसी में है। वो हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे हैं, जब से उनकी पैदाइश हुई है, जब से वो उनका जन्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का यही काम रहा है। आज मणिपुर के लोगों को मरहम की ज़रूरत है, उनको संतुलना की ज़रूरत है, और विपक्ष के 20 सांसद अगर वहाँ गए हैं तो उससे उनको थोड़ा उनको बल मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ तारिक अनवर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो बिहार के कटियारी से कई बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, तमाम मुद्दों पे खुल के बोलते हैं। कांग्रेस के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं और आज बातचीत उनसे करेंगे मणिपुर पे, क्योंकि उनका प्रदर्शन मणिपुर पे है। सर, जिस तरह से आपने देखा मणिपुर की घटना को, इतनी शर्मनाक और दर्दनाक घटना है, उसके बाद केंद्र सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, वहीं विपक्षी दल के 20 नेता आज एक साथ मणिपुर पहुंच रहे हैं। देखिए, कायदे से तो प्रधानमंत्री को स्वयं जाना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना वहाँ हुई, इतने लोगों की जाने गई, इतने लोग वहाँ जख्मी हुए, बेघर हैं लोग हज़ारों की तादाद में, और प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, वो पार्लियामेंट में बयान देने को तैयार नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री का जो रवैया है, ये अफसोसनाक है और दर्दनाक भी है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष ने अच्छा कदम उठाया है। आज मणिपुर के लोगों को मरहम की ज़रूरत है, उनको संतुलना की ज़रूरत है, और विपक्ष के 20 सांसद अगर वहाँ गए हैं तो उससे उनको थोड़ा उनको बल मिलेगा, उनका हौसला बुलंद होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम उठाया गया है। जैसे ही चुनाव आता है, तमाम दंगे भड़कने लगते हैं देश में, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये तो जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास इसी में है। वो हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे हैं, जब से उनकी पैदाइश हुई है, जब से वो उनका जन्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का यही काम रहा है। सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि जब अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है, हिंसा होती है, उसके बावजूद मणिपुर को ही क्यों देखा जाता है, उसे दूसरी ओर राजस्थान है और पश्चिम बंगाल है, ऐसे राज्य भी वहाँ मौजूद हैं। देखिए, ऐसा है कि मणिपुर की जो घटना है, अगर उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो दूसरे राज्यों में नहीं हुआ है, वहाँ अगर कोई घटना हुई है हम उसकी भी निंदा करते हैं, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर में तो एक नरसंहार हुआ है। 200 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग इंजर्ड हैं, और उसके बाद भी केंद्र सरकार चुप है, मूक दर्शक बनी हुई है। ये शर्म की बात है प्रधानमंत्री के लिए और केंद्र सरकार के लिए। धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं, हमारे साथ तारिक अनवर जी थे, बड़े पॉलिटिशियन हैं, तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, और जंतर मंतर पे मणिपुर पे जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई उसको लेके प्रदर्शन किए और तमाम वो बातें बताएं जो विपक्षी एकजुट हो रहे हैं और आज मणिपुर पहुंच रहे हैं। तमाम वो सांसद, तकरीबन 20 सांसद मणिपुर पहुंच रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।